विक्रम होश से काम लो, हमारा पैर लैंडमाइन में पड़ चुका है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तुम समझने की कोशिश करो मेरे भाई, पीछे हटो। हम तुमको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। विक्रम समझने की कोशिश करो और एक मिनट हमारी बात सुनो। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? विक्रम ये लॉकेट ले जाके अपनी भाभी को दे देना और उनसे बोलना कि परी को पहना देंगे। देखो देखो विक्रम, और उनसे कहना कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। विक्रम विक्रम, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की। जानवी किसी और जन्म में तुम्हें देंगे प्यार, ये जिंदगी तो वतन के नाम हो गई। अरे परी बेटिया देखो पापा को फिर से कॉल आया। हेलो, आशीर्वाद दीजिए कि आज का मेरा एग्जाम अच्छा जाए और आपकी बेटी पूरे स्कूल में टॉप करे, और आपका मम्मी का दोनों का नाम रोशन करूं। मेरी बेटा पापा का आशीर्वाद ले लिया। गुड गर्ल, पर एग्जाम है ना तो टाइम से जाना, लेट नहीं, ठीक है? ले लो बैग और लंच और सारे क्वेश्चंस करना, ठीक है? पापा का नाम रोशन करना है ना। चलो जाओ जल्दी। देखा हमारी परी कितनी बड़ी हो गई है, काश आज आप भी हमारे बीच होते। आपको पता है आपकी कमी बहुत खलती है। और हाँ, आज हमारी परी का एग्जाम है, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। पेपर हाथ में आते ही ना, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेंड करूंगी जो मुझे आते होंगे। कैसे लोग हैं इस देश में जो एक तिरंगे को भी नहीं संभाल सकते। क्या हो गया है हमारे देश के लोगों को, कभी नहीं सुधरेंगे। यार मैं डेली पनीर खा के पक गया हूँ। दिशा बाबू आज जो है ना पनीर की सब्जी बना लो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें दो मिनट में कॉल करता हूँ, रुको। बाबू ये तुम झंडे उठा रही हो यहाँ पे, स्कूल के लिए लेट नहीं हो गए आप? हाँ भैया, स्कूल के लिए लेट तो हो जाऊंगी, लेकिन जहाँ भी मुझे अपने देश का झंडा गिरा हुआ मिलेगा मैं उसे जरूर उठाऊंगी, चाहे मैं स्कूल के लिए लेट भी ना हो जाऊं। अब बात तो सही कह रहे हो, पर आपको पता है आज 27th जैन है, और आज आपको हर रोड पे हर चौराहे पे ऐसे ना जाने कितने फ्लैग्स मिलेंगे। आप एक एक करके कितने फ्लैग्स उठाओगे, और हाँ ना जाने इस गली से कितने लोग निकले होंगे, सबने इन गिरे हुए फ्लैग्स को इग्नोर किया, सिर्फ तुम अकेली हो जिसने इन फ्लैग्स को उठाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड यू नो हम सभी बड़े लोगों को आपसे सीख लेनी चाहिए, आज आपने बहुत बड़ा काम किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो अब मैं चलता हूँ, आप भी स्कूल के लिए जाओ, ठीक है? बाय। परी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, और ये कौन सा टाइम है स्कूल आने का? तुम पूरे एक घंटे लेट हो,
तुम्हारा एग्जाम भी छूट गया, ठीक कहाँ तुम अभी तक? मैम वो इस तिरंगे की वजह से लेट हो गया। तिरंगे की वजह से? तिरंगे की वजह से कौन लेट होता है बेटा, बहाना तो सही सा बना लेती। मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मैं घर से बिल्कुल टाइम पे निकली थी, रास्ते में मुझे ये तिरंगे गिरे हुए मिले। मैं चाहती तो इन्हें औरों की तरह इग्नोर करके आ जाती। मैम आपको पता है मेरे पापा आर्मी में थे और इस तिरंगे की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। और मैम 26 जनवरी को हम इस तिरंगे को बड़ी जोश के साथ खरीदते हैं और अगले ही दिन हम सबका जोश सड़कों पे उड़ रहा होता है। आई एम सॉरी मैम आपको कोई बात बुरी लगी हो तो, पर ये सच्चाई है। वेल डन परी बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। ना तुम जिंदगी के एग्जाम में फेल हुई हो, ना तुम आज के एग्जाम में फेल होगी। गो एंड कंटिन्यू विद योर एग्जाम। थैंक यू मैम। इस देश में परचम लहराया जाता है, फिर क्यों तिरंगा सड़कों पर पाया जाता है? ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। और बलिदानों के रक्त का प्रतीक है ये तिरंगा, जो अगर संभाल ना सको तो खरीद मत लाना। चंद दिनों की देशभक्ति दिखाकर खुद को देश प्रेमी ना बताना। कि चंद दिनों की देशभक्ति दिखाकर खुद को देश प्रेमी ना बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।